भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तान का बड़ा सैन्य छल। युद्ध की नेट प्रैक्टिस में जुटी शरीफ की नापाक सेना। efforts by any country to harm Pakistan's security and territorial integrity will be met with a befitting response. Border par pitte Pakistan ki ab aur badhegi musibat. पाकिस्तान के लिए यम बनकर आ गया भारत का रुस्तम। आतंकियों की अदृश्य मौत का एक और धमाका। अब रुस्तम से पाकिस्तान पर सितम। रुस्तम हिंद, हिंदुस्तान का एक ऐसा अचूक हथियार जो सीमा पार के दुश्मनों को अंत करने के लिए बेहद अहम है। इस अचूक हथियार का नाम है रुस्तम 2 और हम इसे कह रहे हैं रुस्तम हिंद। आज हम और आप मिलकर रुस्तम 2 का शक्ति परीक्षण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान इन दिनों युद्ध की नेट प्रैक्टिस कर रहा है। बहावलपुर भारत पाक बॉर्डर, तारीख 16 नवंबर 2016। आसमान में गरजते एयरक्राफ्ट, ये बम धमाके, तोपों से बरसते गोले और इस सैन्य नौटंकी को मौके पर मौजूद होकर देखते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ। इन तस्वीरों को आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध की नेट प्रैक्टिस कह सकते हैं। पाक आर्मी के युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें बुधवार की हैं। पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में भारत पाक बॉर्डर के पास बहावलपुर में पाक सेना युद्धाभ्यास कर रही है। बुधवार को इसी जगह से राहिल शरीफ और नवाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भपकी दी। Efforts by any country to harm Pakistan's security and territorial integrity will be met with a befitting response. जम्मू कश्मीर से लगे बॉर्डर पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, आर्मी, रेंजर्स और आतंकियों की चौकड़ी मिलकर भी भारतीय जवानों का मुकाबला नहीं कर पा रही। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि बुधवार को आर्मी एक्सरसाइज के दौरान राहिल शरीफ ने झूठा दावा किया। राहिल शरीफ के मुताबिक 14 नवंबर को एलओसी पर पाकिस्तान की गोलाबारी में भारत के 11 जवानों की जान गई, जबकि हाल के दिनों में बॉर्डर पर पाक गोलाबारी में 40 से ज्यादा भारतीय जवान मारे गए। जबकि सच ये है कि 14 नवंबर को भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था, बल्कि पाकिस्तान के 7 सैनिक मारे गए थे। जनरल राहिल शरीफ ने ऐवान-ए-सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू की है और ये कहा है कि जिस दिन हमारे 7 फौजी शहीद हुए उस रोज भारत के 11 फौजी हलाक हुए,
आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि हालिया झड़पों में पाक फौज ने भारत के 40 से ज़ायद फौजी मारे हैं। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर 40 से 44 भारतीय फौजी मारे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का इस मौके पर कहना है कि भारत को जारियत से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को हमारी बात समझ आ गई है। हकीकत यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी गोलाबारी में भारत के 14 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने करीब 300 बार सीज फायर तोड़ा है, जबकि बीते एक हफ्ते में सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की 18 घटनाएं हुई हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कॉल्ड इन अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ द पाकिस्तान हाई कमीशन यस्टरडे दैट इज नवंबर 16 एंड मेड अ डिमार्श ऑन द कंटिन्यूड वायलेशन ऑफ सीज फायर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। यू विल नोट दैट दिस इज द थर्ड सच डिमार्श दिस मंथ फॉलोइंग द वंस इशूड ऑन 2nd एंड 9th नवंबर। हाल के दिनों में सीज फायर उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान उच्चायुक्त को तीसरी बार तलब किया गया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान को भारतीय जवानों से लगातार मात मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने मुल्क की जनता को बॉर्डर का सच इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं सच मान लिया तो उनकी सत्ता बचेगी नहीं। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झूठ बोलना पाकिस्तान की फितरत है और आतंकियों की मदद से प्रॉक्सी वॉर लड़ना पाकिस्तान की राष्ट्रनीति है, लेकिन देश के दुश्मनों के इस नापाक इरादे को नाकाम करने या कहें मटियामेट करने का आ गया है रुस्तम 2। अब देश में बना सबसे बड़ा ड्रोन यानी मानव रहित विमान रुस्तम 2 अपने टेस्ट में पास हो गया है। बेंगलुरु से 250 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया गया। अब तैयारी है दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान के लिए यम, इंडिया का रुस्तम। आतंक का सर्वनाश करेगा स्वदेशी रुस्तम 2। ये उड़ान है उस ड्रोन की जिसके पास ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े दुश्मनों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। इस ड्रोन का नाम है रुस्तम 2। भारत में बना रुस्तम 2 अब दुश्मनों को चुन चुन कर मारने के लिए तैयार है। ये ड्रोन उस ऊंचाई पर पहुंचकर दुश्मन की टोह लेकर उसे बर्बाद कर सकता है जहां इसे ट्रैक करना करीब करीब नामुमकिन है। रुस्तम 2 की तुलना दुनिया के उन बेहतरीन ड्रोन से की जा सकती है जो अफगानिस्तान में तालिबान का सफाया कर रहे हैं। रुस्तम 2 को अमेरिकी यूएवी प्रेडेटर को नजर में रखकर बनाया गया है, क्योंकि अब युद्ध इतना हाईटेक हो चुका है कि मैदान जंग में अब बाजी उसी के हाथ लगेगी जो अपने दुश्मन की जानकारी से लैस होगा। ऐसे में रुस्तम 2 भारत को वो ताकत देगा जिससे अभी तक अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देश लैस है। रुस्तम 2 का वजन करीब 2 टन है, इसके पंखों का दायरा करीब 21 मीटर है और रूसी इंजन के साथ ये 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। रुस्तम 2 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम रुस्तम 2 को रडार पर ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। ये दुश्मनों के इलाके में घुसकर टोह लेने, निगरानी रखने और लक्ष्य की पहचान करने, उस पर हमला करने की ताकत रखता है। फिलहाल इसका फाइनल टेस्ट किया गया है और जल्द
इसको हथियारों से लैस किया जाएगा, फिर आसमान में भारत को ताकत मिलेगी जिससे दुश्मन सबसे ज्यादा घबराता है। हथियारों से लैस कोई भी ड्रोन यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जब हमला करता है तो दुश्मन को एहसास भी नहीं होता कि बम किसने गिराया। इस विमान को हजारों किलोमीटर दूर एक केबिन में बैठा पायलट भी उड़ा सकता है, जो इसके कैमरे और सेंसर के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचता है। रुस्तम 2 करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। इतना ही नहीं, 30,000 फीट पर सिंथेटिक अपर्चर रडार के जरिए बादलों के पार भी देख सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार पर भी काफी छोटा नजर आएगा। इसमें ऐसे सिस्टम लगे हैं जो दुश्मन की पकड़ में नहीं आएंगे। ये दिन के साथ साथ रात में अपना काम कर सकता है। टोह लेने के साथ ये दुश्मन पर अचूक निशाने के साथ हमला भी करेगा। DRDO ने 2013 में इसका पहली बार परीक्षण किया था। रुस्तम का नाम किसी अखाड़े के पहलवान पर नहीं बल्कि साइंस की दुनिया में दांवपेच में माहिर भारतीय वैज्ञानिक रुस्तम दमानिया पर रखा गया है। 80 के दशक में रुस्तम दमानिया ने एविएशन की दुनिया में जो रिसर्च की उससे देश को काफी फायदा हुआ था। रुस्तम 2 को पूरी तरह से कामयाब बनाने के साथ भारत 2026 तक ऐसे 5,000 ड्रोन बनाने की योजना बना रहा है। अभी भारतीय सेना के तीनों अंगों में ऐसे 76 आम ड्रोन शामिल किए जाने की जरूरत है। अब तक इस प्रोजेक्ट पर 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। शुरुआती टेस्टिंग में इसका वजन कम करना DRDO के लिए बड़ी चुनौती था, जिसे 2400 किलो से 2000 किलो के नीचे लाया गया। आगे भी इसकी टेस्टिंग जारी रहेगी और कोशिश है इसमें वो खूबियां शामिल करने की जिससे फिलहाल अभी तक अमेरिका ही लैस है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात रुस्तम 2 जैसे एक और पावरफुल ड्रोन की, जिसका नाम है प्रीडेटर एवेंजर ड्रोन। ये ड्रोन अमेरिका के पास है और भारतीय वायुसेना अमेरिका के प्रीडेटर एवेंजर ड्रोन को खरीदना चाहती है। आखिर क्यों चाहिए भारत को अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन, इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ इसी तरह वॉर रूम में बैठे बैठे दुश्मनों की कब्र खोद दी जाएगी और इसके लिए किसी की जान भी खतरे में नहीं डालनी पड़ेगी। टारगेट कैप्चर, क्योंकि दुश्मनों की तस्वीर लेने से लेकर उनको बर्बाद करने का काम हवा में उड़ती हुई ये मशीन करेगी। इस स्मार्ट किलिंग मशीन का नाम है प्रीडेटर सी एवेंजर ड्रोन। बिना पायलट के उड़ने वाला यह अमेरिका का लेटेस्ट आर्म ड्रोन है। कैमरे, रडार, मिसाइल और बमों से लैस ये ड्रोन दुश्मनों को अपनी खबर दिए बिना उसके इलाके में घुसने की क्षमता रखता है। इसकी यही काबिलियत देखकर भारतीय वायुसेना इस ड्रोन को खरीदने की कोशिश में जुटी है। Weapons armed. Cameras on. Targets destroyed. प्रीडेटर एवेंजर ड्रोन हवा में लगातार 18 घंटे तक उड़ते हुए 2900 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसमें दुश्मनों को पहचानने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। एवेंजर में लगे कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर और रडार लक्ष्य की वीडियो और स्टिल इमेज ले सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए एवेंजर जमीन पर किसी भी टारगेट को पहचान कर निशाना भी लगा सकता है। ये विमान स्टिल्थ यानी रडार की पकड़ में आए बिना उड़ सकता है और दुश्मन को खोजकर तुरंत उसका सफाया कर देता है। लेजर गाइडेड बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस ये यूएवी अमेरिकी सेना का प्रमुख हथियार है। 740 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला एवेंजर ड्रोन अपने साथ 4600 किलोग्राम का पेलोड यानी हथियार भी ले जा सकता है।
हेलफायर मिसाइलों से लैस एवेंजर अपने दुश्मनों को सीधे नर्क भेजने का इंतजाम करता है। इस ड्रोन में कोई पायलट नहीं होता और इसे 12,000 किलोमीटर दूर से सैटेलाइट लिंक की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिकी सेना का ड्रोन ऑपरेशन अफगानिस्तान में होता है, लेकिन कंट्रोल अमेरिका से किया जाता है। एवेंजर ड्रोन इसी सीरीज के पिछले वर्जन प्रेडेटर और रीपर से कहीं ज्यादा एडवांस और घातक है। पहले ड्रोन में टर्बोप्रॉप इंजन लगा था, लेकिन अब इसमें जेट इंजन लगा दिया गया है। इस ड्रोन की लंबाई 44 फीट है और इसके विंग्स यानी पंखों की लंबाई 66 फीट होती है। ये अमेरिका की मिलिट्री माइट का एक बहुत बहुत जरूरी, एक बहुत आवश्यक कंपोनेंट है, जिससे कि अमेरिका की आंखें 1,000 किलोमीटर दूर पहुंचती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग 1,000 किलोमीटर दूर और हजारों फुट ऊपर से हो सकती है, हेलफायर मिसाइल्स उसमें होती हैं जो दूर से मार सकते हैं, उसको कई मीलों दूर से मार सकते हैं। तो ये जो अमेरिकन आर्मी या अमेरिकन एयरफोर्स की जो ताकत है उसको कई गुना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई करके सामने पेश करती है। पाकिस्तान से आतंकियों को लगातार भेजने के कारण एवेंजर ड्रोन की डील देश के लिए बहुत जरूरी है। ये अत्याधुनिक ड्रोन जल्दी मिल जाए तो पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर लगातार हमले को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, साथ ही सीमा पार आतंक के ठिकानों को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा। ऐसे हथियार बंद ड्रोन से कितनी आसानी से आतंकियों को ठिकाने लगाया जा सकता है, ये आप इस फिल्म की मदद से जान सकते हैं। यहाँ कुछ आतंकवादियों को एक ड्रोन ने भीड़ के बीच पहचाना। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों ने आतंकी की पहचान साबित की और फिर मिसाइल फायर करके सैकड़ों किलोमीटर दूर से उनको ठिकाने लगा दिया। भारत को ड्रोन की आवश्यकता तमाम चीजों के लिए है। पहली बात तो ये है कि बॉर्डर पर सर्विलेंस के चाहिए, और जो हमारे एरिया या हम यूज करना चाहते हैं पीओके में, जहां की तमाम ऐसे आतंकवादी कैंप हैं और पीओके है वो हमारी जगह है वहां पर। अब तक अमेरिका से सर्विलांस यानी दुश्मनों की निगरानी करने वाले ड्रोन खरीदने की बात हो रही थी। अब बताया जा रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR में भारत के शामिल होने के बाद देश को हथियार चलाने वाले ड्रोन भी मिल सकते हैं। दोस्ती जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और ओबामा में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर साउथ चाइना सी, जहां चीन ने दावा लगाया हुआ है पानी पे, तो उसके हिसाब से अमेरिका की कोशिश के भारत को मदद करो ताकि भारत तगड़ा हो, लड़ाई के नहीं लिए लेकिन शांति के लिए। एवेंजर ड्रोन की एक और खासियत है इसका फ्यूचर प्रूफ यानी भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने लायक होना। एवेंजर में हाई एनर्जी लिक्विड लेजर एरिया डिफेंस सिस्टम लगाया जा सकता है। ये एक लेजर वेपन है और अभी इसका डेवलपमेंट चल रहा है। इसकी मदद से रॉकेट, मिसाइल, गोले और मोर्टार को हवा में ही मार गिराया जाएगा। अगले कुछ सालों में ये लेजर वेपन तैयार हो जाएगा। भविष्य के हथियार से लैस ये ड्रोन भारतीय सेना के लिए अजय हथियार बन सकता है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर साल के अंत तक भारत के दौरे पर आ सकते हैं। उम्मीद है तब इस एवेंजर ड्रोन की डील पक्की हो जाए। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रुस्तम 2 तो हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए रुस्तम हिंद है, लेकिन सही मायनों में रुस्तम हिंद यानी सबसे बड़े योद्धा तो हमारे देश के जवान हैं। देश के लाखों सैनिकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने देश के लिए युद्ध क्षेत्र में शहीद होने वाले जवानों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ाकर दोगुने से ज्यादा कर दिया है। युद्ध के मैदान में देश के लिए लड़ने वाले वीर जवानों के हित में मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब जंग लड़ते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को दोगुने से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात जवान की दुर्घटना में मौत होने के एवज में दिए जाने वाला मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है,
वहीं आतंकियों से मुठभेड़ या समुद्री डाकुओं से लड़ते हुए शहीद के परिवार को 35 लाख रुपए दिए जाएंगे। युद्ध या युद्ध जैसे हालात होने पर या किसी दूसरे देश में भारतीय नागरिक के रेस्क्यू के दौरान जान जाने पर 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। शहीद के परिवार वालों को मुआवजा प्रधानमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। सातवां वेतन आयोग डिफेंस में लागू होने तक प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे की रकम दी जाएगी।